गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में थर्ड वाला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 3.4 और लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक खत्म कर दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सम ये है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर के अंदर आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो जो फ्रैक्शन था वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, मतलब उसका आंसर बनता है 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ वी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 को एड करेंगे तो वो बन जाता है 1/2। तो फ्रैक्शन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन के लिए आपको पता है कोई भी एक फ्रैक्शन होता है, जैसे ये फ्रैक्शन है 5/3, तो फ्रैक्शन सपोज करेंगे तो हमें न्यूमरेटर सपोज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सपोज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को हम x सपोज करेंगे, डिनोमिनेटर को y, तो x अपॉन y जो है वो फ्रैक्शन बनेगा। फिर हम उनके ऊपर से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तब यहां पर रखेंगे तब जाके हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वाई, मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज कर लिया, तो फिर फ्रैक्शन कैसे बनेगा को पता है, तो फिर फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिवीजन से, मतलब x अपॉन y से। तो ये आपका फ्रैक्शन तो मिल गया, जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तब वो वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे तो आपको वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनता है वो देखिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो ये आपके पास यहां फ्रैक्शन है ये x upon y, इसमें क्या बोला है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अगर हम numerator के अंदर 1 add करते हैं और denominator के अंदर से 1 को subtract करते हैं तो वो fraction क्या बन जाता है, it reduces to 1, वो 1 बन जाता है। उसके बाद भी लिखा है, यहां लिखेंगे if it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator, ये जो फ्रैक्शन था उसके डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप 1 को ऐड करते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर के अंदर मैंने 1 को ऐड कर दिया, जो फ्रैक्शन था x अपॉन y वहां पे डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, तो फिर वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इसको उस साइड लाएंगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो एक्स माइनस y इज इक्वल टू ये उस साइड आएगा तो -2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर ये क्रॉस करेंगे ऐसे तो 2x इक्वल टू रहेगा y प्लस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए मेथड आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3.5 के अंदर आएगी। तो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मेथड कौन सी करनी है, एलिमिनेशन मेथड करनी है। तो यहां देखिए एलिमिनेशन मेथड करनी है, तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको सब्ट्रैक्ट किसको, मतलब एलिमिनेट किसको करना है, x को एलिमिनेट करना है या y को। अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहां पर 2 है तो यहां 2 आपको लाना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, तो y को एलिमिनेट करते हैं।
तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर वन के अंदर से इक्वेशन नंबर टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, माइनस टू, यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू था 1। सब्ट्रैक्टिंग वर्ड यूज किया है तो हमें साइन कंपलसरी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहां माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और यहां पर माइनस। तो देखिए माइनस वाई एंड प्लस वाई, अब इस साइन को कंसिडर नहीं करनी है हमें, इस नई साइन को ही कंसिडर करनी है, वाई की साइन प्लस है। तो माइनस वाई एंड प्लस वाई एलिमिनेट हो गए, यहां पर कितना रहेगा x एंड माइनस टू एक्स, तो मतलब रहेगा माइनस x, और यहां पर आएगा कितना माइनस टू एंड माइनस वन रहेगा माइनस थ्री। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, थ्री। अब x की ये जो वैल्यू है वो आप कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू था माइनस टू, जहां x दिखता है वहां पे थ्री लिख दो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो थ्री प्लस टू इक्वल टू होगा y, तो y कितना रहेगा 5। तो x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। अब आपको फ्रैक्शन चाहिए तो यहां पर रख दो, तो फिर वो फ्रैक्शन कौन सा होगा देख लीजिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, मतलब 3 अपॉन 5, ये आपका आंसर है। अब ये आंसर सही है कि गलत है वो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे। If we add 1 to the denominator and subtract, if we add 1 to the numerator, numerator के अंदर 1 add कर दो तो 4 हो जाएगा, और 1 को यहां से subtract कर दो, यहां क्या बन जाएगा 4, यहां बन जाएगा, subtract करेंगे तो 4, 4 by 4 कितना होगा 1, तो 1 हो जाता है, मतलब आपका आंसर सही है। लिख दो, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, उसका सब क्वेश्चन है टू। Five years ago, Nuri was thrice. Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहां पर देखिए, 5 years ago, 5 साल पहले, Nuri was thrice as old as Sonu,
मतलब जो नूरी थी वो सोनू से कितनी ज्यादा है, 3 times ज्यादा है, उसकी एज 3 times ज्यादा है। 10 years later, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की एज ट्वाइस बन जाएगी, मतलब डबल बन जाएगी सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की एज हमें फाइंड करनी है। तो दोनों की एज हम पहले तो सपोज कर देंगे, तो यहां लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स लिखेंगे या किलोग्राम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे, क्योंकि एज का यूनिट आपको पता है ना, किलोग्राम नहीं लिखना है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर दी, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स सपोज कर दी और सोनू की वाई। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, 5 years अगो बोला है, मतलब 5 साल पहले, तो हम क्या कर देंगे, दोनों की 5 साल पहले की एज लिख देंगे। तो जो ये नूरी है उसकी 5 साल अभी की एज एक्स है, ये सोनू है उसकी अभी की एज कितनी है, वाई। तो इस दोनों की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, 5 साल पहले की बोला है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को या फिर ऐड करेंगे। तो पहले बोला है 5 years अगो, आपकी अभी की एज सपोज 15 years है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो आप क्या करोगे उसके अंदर से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहां पर भी अभी उनकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 5 एंड वाई माइनस 5 होगी। ये दोनों की, ये नूरू की एज और ये सोनू की एज 5 साल पहले की। अब देखिए नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी थी वो सोनू से 3 times, उसकी जो एज थी वो 3 times ज्यादा थी। तो यहां पर देखिए यहां 9 है और यहां पे 3 है, तो 3 times ज्यादा कौन है, ये 9। तो इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, हमें जो ज्यादा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तब जाके ये बैलेंस होगा, या तो फिर जो ज्यादा है उसको डिवाइड करेंगे तब जाके वो बैलेंस होगा। तो यहां पे थ्राइस कौन है, नूरी है, तो हम मल्टीप्लाई नूरी को नहीं करेंगे, सामने वाले को, मतलब ये सोनू को, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया, मतलब इक्वेशन बन गया। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू मिल गया माइनस 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन भी लिखी है, वो देखिए यहां तक खत्म हो गया। 10 years later, अब 10 साल के बाद की बात की है, अगर अभी आपकी एज 15 year है तो 10 साल के बाद कितनी होगी, तो आप उसके अंदर 10 को ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, x एंड y, 10 years later बोला है, तो 10 साल के बाद ये एज और 10 साल के बाद ये एज इतनी होगी, दोनों के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज ट्वाइस मतलब डबल हो जाती है, ये 4 है और 2 है तो डबल ये है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ नूरी ट्वाइस बनती है, तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको। चलो ये इक्वेशन बन गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट एक जैसे है। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, वन के अंदर से टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन। यहां पर आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग वर्ड यूज किया, इसीलिए कंपलसरी साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां पर भी माइनस। चलो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट हो गए, माइनस थ्री वाई एंड प्लस टू वाई। अब हमें साइन कौन सी कंसिडर करनी है, ये वाली नई साइन को ही कंसिडर करेंगे, तो माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई, तो माइनस वाई बन जाएगा। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव तो एडिशन होगा, तो y इक्वल टू कितना मिला 20, मतलब सोनू की एज कितनी मिली 20 इयर्स। अब ये x y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस टेन, तो x माइनस थ्री यहाँ पे 20 इक्वल टू माइनस टेन, तो x माइनस यहाँ कितना बनेगा 60 इक्वल टू माइनस टेन, मतलब x इज इक्वल टू बनेगा 60 माइनस टेन, तो x मिलेगा 50। तो सोनू की एज कितनी है, नोरी की एज कितनी है 50 इयर्स। तो यहां लिखेंगे therefore प्रेजेंट एज ऑफ नोरी, नोरी की जो एज है, नोरीज एज इज 50 इयर्स एंड सोनू इज प्रेजेंट एज में से, यहां पर जो प्रेजेंट लिखा है वही यहां लिखना है, लेकिन यहां पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सोनू इज एज लिख देता हूं, इज 20 इयर्स। आपको सही गलत का फैसला करना है तो कर सकते हैं, कैसे, ये 50 है ये 20 है, यहां पर मैंने लिखा 50, यहां पर लिखा 20। अब देखिए उसने क्या बोला है, 5 साल पहले, तो दोनों के अंदर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 45 बनेगा, ये 15 बनेगा, कौन थ्राइस बना, ये थ्राइस बना कि नहीं, उससे थ्राइस बन गया। देखो तो सही गलत का फैसला हो गया, लिख दीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। Also, 9 times this number is a twice the number obtained by reversing the order of the digit
फाइंड द नंबर, तो देखिए द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब दो डिजिट का एक नंबर है उनके दोनों डिजिट का टोटल होता है 9। तो यहां पर देखिए ये सम स्टार्ट करो, उससे पहले एक चीज एक्सप्लेन कर दो आपको, वो है टू डिजिट का नंबर बनता है कैसे, वो एक्सप्लेन कर दो। जैसे आपके पास ये नंबर है 53, ये टू डिजिट का एक नंबर है जिसको हम इसको बोलेंगे यूनिट प्लेस और इसको बोलेंगे 10 प्लेस, ये बनती है यूनिट प्लेस और इसको हम बोलेंगे 10 प्लेस। आपको यूनिट प्लेस अगर पता है और 10 प्लेस पता है तो टू डिजिट का नंबर बनता है। आपको पता है टू डिजिट का नंबर ये 53 है, यूनिट प्लेस पता है और 10 प्लेस पता है, ये यूनिट प्लेस आपके पास कितनी है 3 और 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है 5। तो टू डिजिट का नंबर बनता है कैसे, तो यहां लिखेंगे द नंबर टू डिजिट नंबर या तो हम सिर्फ नंबर बोलेंगे, टू डिजिट नंबर बनता है कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है 10 इंटू 10 प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। ऐसे हम लिखेंगे 10 प्लेस के ऊपर जो नंबर है और यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसको हम यहां पे पुट करेंगे तो टू डिजिट का नंबर मिल जाएगा। जस्ट देखिए 10 प्लेस पे कौन है 5, तो हमने यहां पर 5 लिखा, यूनिट प्लेस पे कौन है 3, तो हमने यहां पे 3 लिखा, तो क्या मिला 50 प्लस 3 तो 53 मिल गया। तो मतलब टू डिजिट का नंबर अगर आपको बनाना है, टू डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो आपके पास यूनिट प्लेस पता होना चाहिए और 10 प्लेस पता होना चाहिए, तभी जाके ये टू डिजिट का नंबर बनेगा। और इस फॉर्मूले के अंदर 10 प्लेस का वैल्यू और यूनिट प्लेस का वैल्यू रखोगे तब ये नंबर मिलेगा। अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे रिवर्सिंग द डिजिट, अगर डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं तो आपको पता है कि नंबर मिल जाएगा 35। तो फिर अब यूनिट प्लेस पे कौन आ गया, यूनिट प्लेस पे 5 आ गया और 10 प्लेस पे कौन चला गया 3। अब आप जो नया नंबर फाइंड करेंगे तो अब 10 प्लेस पे कौन है देखिए 3 और यूनिट प्लेस पे कौन है 5, तो यहां होगा 30, यहां होगा 5। तो ये नंबर पहले कौन सा था 53 था, अब क्या बन गया 35। तो आपको एक चीज यहां पर पता चल गई कि टू डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो आपको यूनिट प्लेस पता होनी चाहिए और 10 प्लेस पता होनी चाहिए। यूनिट प्लेस नहीं पता इसीलिए हम x सपोज करेंगे और 10 प्लेस नहीं पता इसीलिए हम क्या सपोज करेंगे y, तो हमें उसके ऊपर से टू डिजिट का नंबर मिलेगा। फिर उसके और जो डिजिट है उसको रिवर्स करेंगे मतलब इंटरचेंज करेंगे तो 10 ये जो यूनिट प्लेस है वो y बन जाएगी और 10 प्लेस है वो x बन जाएगी, तब जाके नया नंबर मिलेगा जिससे यहाँ 53 का 35 मिला। ऐसे तो हमें सबसे पहले टू डिजिट का नंबर अगर चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस होनी चाहिए और 10 प्लेस होनी चाहिए। तो यहां हम सपोज करेंगे ले द यूनिट प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज एक्स एंड द टेंथ प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज वाई। यूनिट प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर मतलब जो टू डिजिट नंबर का ना उसका यूनिट प्लेस जो नंबर है वो एक्स है और 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है वाई। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज एक्स एंड द नंबर एट द 10 प्लेस इज वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं द यूनिट प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज एक्स। तो आपको यूनिट प्लेस पता है 10 प्लेस पता है तो टू डिजिट का नंबर मिलेगा, तो नंबर कौन सा होगा वो देख लीजिए,
टू डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, टी 10 × 10 प्लेस प्लस 1 × यूनिट प्लेस, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो कैसे मिलेगा, ये नंबर मिलेगा आपको 10 प्लेस पे कौन था y, प्लस यूनिट प्लेस पे कौन था x, तो वो नंबर मिलेगा आपको 10y + x, ये नंबर मिल गया। तो आपके पास अगर x एंड y आ जाएगी तो हमें वो टू डिजिट का नंबर भी मिल जाएगा। अब आगे क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ ए डिजिट, द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब जो टू डिजिट का नंबर है, जो डिजिट है टू डिजिट का जो नंबर है उसकी डिजिट का टोटल कितना होता है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो और 10 प्लेस पे जो नंबर है वो, उनका टोटल कितना होता है 9 होता है। मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हमने सपोज किया है एक्स, और 10 प्लेस पे सपोज किया था वाई, तो एक्स और वाई का टोटल कितना होता है यहां पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 9। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर वाला जो है वो इक्वेशन नहीं है, वो तो नंबर है आपका। चलो यहां तक खत्म हो गया। अब आगे क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ए ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब एक काम करते हैं, जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर देते हैं। अब यूनिट प्लेस पे क्या था x था, तो अब यूनिट प्लेस पे क्या बन जाएगा y, 10 प्लेस क्या है y है, तो 10 प्लेस क्या बन जाएगी x। तो यहां पे लिखेंगे रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द डिजिट ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस विल बिकम, यूनिट प्लेस क्या बन जाएगी, हम ऑर्डर को हम रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस बन जाएगी y, एंड द टेंस प्लेस विल बिकम x। तो अब नया नंबर कौन सा होगा, therefore the न्यू नंबर कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला वही का वही, 10 × 10 प्लस + 1 × यूनिट प्लेस। अब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो 10 प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया x, और यूनिट प्लेस पे कौन सा आ गया y, तो फिर आपका नया नंबर मिला, जो नंबर मिला नया नंबर न्यू नंबर कौन सा मिला 10x + y, ये आपका नंबर मिला नया। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा वो देखिए, उसने क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब उस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम। देखिए ये पुराना नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर था वो, और ये नया नंबर हमने, ये जो डिजिट को रिवर्स किया वो नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर जो यहां पे जो नंबर 10y + x लिखा वो ऑर्डर को चेंज कर दिया तो 10x + y मिला। अब क्या है देखिए, 9 टाइम दिस नंबर, मतलब इसका 9 टाइम दिस नंबर इज इट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज किया आपने तब आपको ये नंबर मिला और उसका ट्वाइस, और वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ऐसा लिखा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या बनेगा, 90y + 9x, 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + होगा 2y, इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -11x, उसको भी उस साइड भेजेंगे तो +88, उस साइड जाएगा 88y इज इक्वल टू 0, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, पूरे इक्वेशन को -11 के साथ डिवाइड कर दो तो x - 8y = 0, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए,
यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर से टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो कितना था x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, और यहां पर x माइनस एट वाई इज इक्वल टू कितना था जीरो, तो यहां माइनस प्लस एन माइनस ये तो कट हो गए, यहां कितना बचेगा वन वाई एंड एट वाई, नाइन वाई इज इक्वल टू नाइन, तो y का आंसर क्या बन गया वन। अब ये जो y की वैल्यू है वो कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू नाइन था, x प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, तो x इक्वल टू कितना आएगा एट आएगा, x भी मिल गया y भी मिल गया, तो आपका नंबर कौन सा था टेन वाई प्लस एक्स, उसके अंदर वैल्यू रख दो, तो नंबर इज इक्वल टू टेन वाई प्लस एक्स, तो टेन वाई की जगह पे आपको क्या लिखना है वन, x की जगह पे एट, तो यहां कितना मिलेगा 10 प्लस 8, तो 18 मिल गया, ये आपका नंबर है। देखिए अब दोनों ये जो 18 मिल गया ये टू डिजिट नंबर बना, उन डिजिट का टोटल कीजिए कितना हो जाता है 9 बन जाता है, और उसके ऑर्डर को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 81 बन जाएगा, लिख दीजिए।